गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम यूटी से पहले चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। कंप्यूटर कैसे काम करता है, आईपीओ साइकिल इस तरीके से काम करता है। पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, उसको बोलते हैं आउटपुट मॉनिटर, जो कि हम मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। तो हम आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस में किस तरीके से काम होता है, उस पार्ट्स में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस मीन्स जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। ये जो पार्ट्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से कंप्यूटर काम करेगा ये निर्देश देते हैं। एग्जाम्पल इनके उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। कीबोर्ड सब जानते हैं, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और डाटा हम भेजते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, उसके बाद मॉनिटर में हम रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट हमें मॉनिटर दिखाता है। अब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड, वी यूज द कीबोर्ड टू टाइप इन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। इट हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, डाटा टाइप करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, किस तरीके से देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। कीबोर्ड के ऊपर नंबर रहते हैं, उसको हम टाइप करते हैं। लेटर्स आपके अल्फाबेट लेटर होते हैं, A to Z तक, एंड सिंबल्स, इसकी हेल्प से हम डाटा सीपीयू के अंदर भेजते हैं। इट हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। जो ये लेटर्स, नंबर्स, प्रिंटों के लिखा रहता है, इन छोटे छोटे स्मॉल बटन को हम कीज बोलते हैं। नॉर्मली देर आर 104 कीज इन ए कीबोर्ड। नॉर्मली कीबोर्ड में, एक कीबोर्ड में 104 कीज रहते हैं। सर क्रिस्टोफर लथम सोल्स डेवलप द कीबोर्ड। कीबोर्ड किसने तैयार किया था, सर क्रिस्टोफर ने, इन्होंने कीबोर्ड डेवलप किया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड क्लिकिंग ऑन देम। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स हमें कोई प्रोग्राम खोलना है या उसको पहचान करना है, तो हम माउस को मूव करेंगे तो एक पॉइंटर दिखाई देता है उसको, इसीलिए बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करता है स्क्रीन में और उसके ऊपर क्लिक करता है। हम लेफ्ट और राइट बटन से क्लिक करके उनको हम प्रोग्राम खोल सकते हैं। डॉगलस एंगेलबर्ट डेवलप द माउस। माउस इन्होंने डेवलप किया था। स्कैनर, स्कैनर इज ए डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू कॉपी टेक्स्ट एंड इमेज इनटू द कंप्यूटर। हम स्कैनर की हेल्प से अगर हमें कंप्यूटर में कोई पिक्चर चाहिए या टेक्स्ट की कॉपी चाहिए, उसके डुप्लीकेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्कैनर के अंदर हम पिक्चर इमेज रख देते हैं तो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। स्कैनर की हेल्प से हम इमेज कंप्यूटर में ला सकते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस।
इट इज यूज टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स साउंड्स और आवर वॉयस ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे वॉयस साउंड अरे कंप्यूटर के ऊपर हम इसकी हेल्प से रख सकते हैं। ए माइक्रोफोन इज कॉल्ड माइक और माइक इन शॉर्ट। शॉर्ट में हम इसको MIC लिखते हैं और MIKE भी लिख सकते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए कंप्यूटर। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि गेम खेलने के लिए मदद करता है, और बीच में देखिए बीच में एक डंडा सा होता है, इसको ये हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए इधर उधर, जब हम गेम खेलेंगे इसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, हम इसकी हेल्प से गेम खेल सकते हैं। कर्सर एक टेक्निकल हॉन्ट है, देखिए कर्सर, कर्सर मीन्स ए ब्लिंकिंग लाइन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इमेज मीन्स पिक्चर। कर्सर मीन्स आपकी जब वर्ड पैड या MS वर्ड प्रोग्राम होता है, जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर हमारे सामने एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन की तरह इस तरीके से हमारे स्क्रीन पे आता है, और हम जब टाइप करेंगे तो ये लाइन उसके साथ साथ चलता है। सॉल्व द फॉलोइंग जंबल्ड वर्ड, ये आपको उल्टा पुल्टा दिया गया है, ये लेटर आपको सही करना है इसको, ये कीबोर्ड है, आप अपने बुक में इसको फिल करेंगे, ये माउस है, ये माइक्रोफोन है, इसी तरीके से आपको बुक में फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस मीन्स हमें यहाँ रिजल्ट दिखाता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।